मतलब हमें ये समस्या आ रही थी कि मदर को भी और बेबी को भी दोनों को सुरक्षित रखना है। हमने अपनी सिस्टर से बात की, सिस्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप सीताराम भारती दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर आइए। और उन्होंने एश्योरेंस ऐसे ही नहीं दिलाया क्योंकि मैं पहले यहाँ आ चुका था। हेलो सर, हेलो मैम, कांग्रेचुलेशंस पहले तो आप अपना नाम एक बारी बता सकते हैं? मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मेरी वाइफ का नाम है नीतू यादव और अभी हमारी न्यू बर्न चाइल्ड है, उसका नाम है समृद्धि यादव। सर हम ये जानना चाहते हैं, हमें पता चला कि आप आगरा से भी आगे रहते हैं। शिकोहाबाद मेरे शहर का नाम है जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश से हैं हम। तो स्टार्टिंग में जब इनका प्रेगनेंसी पीरियड स्टार्ट हुआ था 10 दिनों के बाद, तो तभी से हम अपने शहर से ही इलाज ले रहे थे हॉस्पिटल में। और जैसा उन्होंने हमें सजेस्ट किया था किस तरीके का खान पान रखना है, किस तरीके की जीवन शैली रखनी है, वो पूरा हम सारा फॉलो कर रहे थे। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई कि प्रेगनेंसी जब 8.5 महीने के करीब हो गई, तो उन्होंने उससे पहले अल्ट्रासाउंड करवाए थे जो उन्हें ज़रूरी लगे थे, फिर उन्हें कुछ डाउट लगा तो फिर उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड और करवाए, तो उसमें उन्होंने बताया कि बच्चे के गले में एम्बिकल कॉर्ड है और 2 हैं, उसके 2 राउंड्स हैं। तो हम थोड़ा घबरा गए। उसके बाद हम अपने पास में ही फिरोजाबाद में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर गए, तो वहाँ पर भी जो गायनकोलॉजिस्ट थी उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उन्होंने एक अलग समस्या बता दी। उन्होंने बताया कि बच्चे को फ्लूइड की कमी है, तो हम थोड़ा और घबरा गए। तो फिर वापस से हम उसी हॉस्पिटल में आ गए जहाँ से हमारा एग्जैक्ट ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उन डॉक्टर्स ने पहले तो उन्हें इनको इंजेक्शंस वगैरह लगाए और ग्लूकोज वगैरह जो भी उन्होंने रिकमेंड समझा वो उन्होंने लगा दिया। तो फिर हमने सोचा स्थिति काबू हो जाएगी, सब वो ठीक कर देंगे। लेकिन मतलब पूरा उन्होंने इंजेक्शन वगैरह लगा के, ड्रिप वगैरह चढ़ा के ये बताया कि अब मतलब बच्चा ठीक कंडीशन में नहीं है, हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो फिर हम लोग बिल्कुल घबरा गए और मन में ये सवाल भी आया कि डॉक्टर ने जैसा हमें बताया था, हमने खान पान वैसा ही रखा, सब कुछ वैसा ही किया जो हमें डॉक्टर ने बताया था, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया। ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, ये तो कंडीशंस होती हैं, किसी के साथ भी हो सकती हैं। तो फिर हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि फिर अपने बच्चे को मतलब अच्छी बर्थ मिले, कहीं अच्छी जगह ही पैदा हो और कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। कहने का मतलब अगर सर्जरी भी हो तो आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो, जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद से फिर आईसीयू वगैरह में रखना पड़ता है, और प्रीमेच्योर तो खैर नहीं होता है 8.5 महीने के बाद, लेकिन फिर भी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ ही जाते हैं। तो फिर वहाँ मतलब हमें ये समस्या आ रही थी कि मदर को भी और बेबी को भी दोनों को सुरक्षित रखना है। तो यहाँ दिल्ली में मेरी सिस्टर रहती हैं, हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप कहीं और मत जाइए, क्योंकि कहीं और जाएंगे तो हो सकता है कि पहले जो आपका अभी एग्जामिन हुआ है उसी के आधार पर या फिर से जांच वगैरह कराई जाए तो और बच्चे को परेशानी हो। तो हमने अपनी सिस्टर से बात की, सिस्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप सीताराम भारती दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर आइए। और उन्होंने एश्योरेंस ऐसे ही नहीं दिलाया क्योंकि मैं पहले यहाँ आ चुका था, मेरी सिस्टर का जो पहला बेबी यहाँ पर जन्म लिया था तो वो एकदम सही सलामत था और अभी भी बहुत अच्छा है, मतलब हमारी भांजी है बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आकर मैंने सारी चीज़ों को देखा, स्टाफ को, डॉक्टर्स को, और इतनी केयरिंग जो है वो मुझे एक तरह से दिल को छू गई। मुझे लगा कि इससे बढ़िया पैलेस तो शायद मेरे लिए नहीं हो सकता, ये मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें कुछ मिलावट करके बोल रहा हूँ, जो एग्जैक्ट है मैं वही बोल रहा हूँ। तो मेरी सिस्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं, आगरा भी जाते तो हमें पूरा विश्वास था कि वो सर्जेरियन कर देते और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते, क्योंकि इससे पहले मेरे और मित्र हैं उन्होंने भी इस तरीके की कंडीशन में आगरा हॉस्पिटल से अप्रोच किए हैं तो वहाँ भी ऐसे ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हुए थे। तो हमें सीधे स्टेट फास्ट थे इस बारे में कि यहाँ पर अगर आएंगे तो वही चीज़ होगी जो ज़रूरी होगी, जो ज़रूरी नहीं होगी वो कुछ भी नहीं किया जाएगा। तो बिल्कुल दिमाग की रूप से हम निश्चिंत होकर यहाँ पर आ गए
और जिस तरीके से आए, ट्रीटमेंट हुआ, तो ये हमारे लिए एक, हमारे लिए तो चमत्कार जैसा ही था, क्योंकि हम तो ऐसा एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि मतलब ऐसी कंडीशन में इस तरीके का हो जाएगा। तो बहुत खुश हैं हम। और हमारा जब बच्चा पैदा हुआ, बच्चा भी स्वस्थ है, माँ भी स्वस्थ हैं, हमारी पत्नी आपके सामने हैं, और सभी चीज़ें सही हैं। हमें यहाँ पर आके बहुत ही मतलब एकदम से दिमागी रूप से बिल्कुल हम भी स्वस्थ रहे, क्योंकि कई सारे मानसिक नेगेटिविटी भी रहती है ना, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, सभी के लिए। तो यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं हुई। नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा लगा, और डॉक्टर्स भी बहुत केयरिंग हैं, केयरिंग के हैं, और कोई भी किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं हुई। ऐसा लगा कि जैसे हम तो अपने घर पे ही हैं, घर पे जो केयरिंग होती है उससे भी ज़्यादा अच्छी केयरिंग हमें यहाँ मिली। तो मैं सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और यही कहूँगा कि अगर आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस तरीके के कई प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो एक बार आप सीताराम भारती में विजिट करके देखिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई कितनी है, और फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि ये आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है या नहीं। सर आपने सब कुछ ही बोल दिया। तो जब हमने डिलीवरी के लिए इनको एडमिट किया, तो वहाँ हमें, हमारे दिमाग में तो ये था कि यहाँ जो होगा वो बेस्ट ही होगा। फिर भी एक मन में डाउट था कि सिजेरियन ना हो, सिजेरियन ना हो, बट फाइनली ऐसा ही हुआ। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई, ऐसा तो कहीं महसूस भी नहीं हुआ कि कोई कॉम्प्लिकेशन है। नॉर्मल डिलीवरी हुई, मेरी सिस्टर के जो चाइल्ड हुआ है इससे पहले, उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो खासकर ये हॉस्पिटल अपनी तरफ से खास जो अलग जो मेडिकेशन जरूरी नहीं है वो नहीं करते हैं, जो जरूरी है वही करते हैं, डॉक्टर्स वही इलाज करते हैं जो मरीज के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, मुश्किल से 2 या 3 दिन है और आज यहाँ से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। वैक्सीन वगैरह भी सब तरीके की लग चुकी हैं बच्चे के, और बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है।